वीडियो और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुईस की समरी को हम लोग इससे वीडियो सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं हमने अभी तक सेशन 10 तक डिस्कस कर लिया है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू टॉक अबाउट साइंस एंड साइंटिस्ट, ये जो कि हमारा सेशन 11-13 ये हमारा कवर करता है। तो आज के इस वीडियो में सेशन 11-13, देखिए पहले मैंने कहा था कि मैं दो सेशन एक साथ करूंगा, बट नाउ आई हैव डिसाइडेड कि जो भी हमारा टॉपिक होगा, जैसे हाउ टू टॉक अबाउट साइंस एंड साइंटिस्ट है, तो ये पूरी की पूरी सीरीज हम एक साथ ही करेंगे कंप्लीट। आपके सारे के सारे वीडियो जो आपके एक सेशन होगा, दो तीन सेशन होगा, तीन सेशन होगा, जितने भी सेशन होंगे हम सारे सेशंस को एक साथ ही आपके सामने पुश करेंगे, तो सभी को आपको एक साथ सारे वर्ड्स मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं मैं अमन त्रिवेदी। आप मेरे बारे में यहां पर पढ़ सकते हैं और अगर आप डेली फ्री असाइनमेंट्स चाहते हैं प्रैक्टिस करना, जो कि मैं फ्री में अवेलेबल कराता हूं, तो आप वेबसाइट मेरी ओपन कर सकते हैं जो कि है amantrivedi.com। आप amantrivedi.com मेरी वेबसाइट जो कि है उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक्सेस कर सकते हैं और वहां से डेली फ्री असाइनमेंट्स को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई हैव बीन एजुकेटर एट एन अकेडमी, आप मेरे बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं साइंस के बारे में, जो साइंस के स्ट्रीम्स हैं उनको क्या नाम कहते हैं और साइंटिस्ट को हम क्या बुलाते हैं, उससे रिलेटेड रूट वर्ड्स को हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप अन अकेडमी पर मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे अन अकेडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। वोकैबुलरी बूस्टर फॉर SSC CGL 2019 के लिए एग्जाम मेरा ये कोर्स आ रहा है, जिसकी क्लास 7 बजे से 8 बजे तक होगी और ये कोर्स 17 फरवरी से शुरू होगा। 1 फरवरी से इसका पार्ट वन शुरू हो जाएगा और इसके अलावा कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स जो कि चल रहा है 4 बजे से 6 बजे तक, तो इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। ये इसका टाइमिंग होता है आपका 4 to 6 PM। तो इन सभी कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड नोट कर सकते हैं जो कि है AMANT, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है ऑन ऑल अनअकैडमी प्लस कोर्सेज। तो आप मेरा रेफरल कोड नोट कर लीजिए AMANT, ये मेरा रेफरल कोड है जिसको यूज करके आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा सभी प्लस सब्सक्रिप्शंस पे। और अगर आप कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, अगर आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट अनअकैडमी प्लस। और दूसरी बात, आज रात में 10:30 बजे हमारा लाइव सेशन होगा, जिसमें हम SSC CPO की जो पेपर की सीरीज थी जो मैंने आपको बीच में स्टॉप कर दी थी, वो पेपर सीरीज हम लोग यहाँ पर ही लाइव डिस्कस करेंगे। तो वो लाइव सेशन होगा, उस लाइव सेशन को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। SSC CPO का पेपर हम लोग उसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो वी विल बी डिस्कसिंग SSC CPO 2019 एग्जामिनेशन का जो पेपर हमारा है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे आप सभी के साथ, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। बात कर रहे हैं हाउ टू टॉक अबाउट साइंस एंड साइंटिस्ट, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू टॉक अबाउट साइंस एंड साइंटिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आपका इसका डिस्कशन। पहला आपका जो वर्ड आज का है वो है एंथ्रोपोस। वर्ड आपका क्या है? एंथ्रोपोस। एंथ्रोपोस का आपका वर्ड आपको मीनिंग पता करना है क्या होगा। एंथ्रोपोस का मतलब हो जाता है मैनकाइंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? मतलब हो जाता है इसका मैनकाइंड। अब एंथ्रोपोस का मतलब हो गया मैनकाइंड, लोगोस का मतलब हो गया साइंस, ठीक है। इससे आपका वर्ड क्या बनता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इससे वर्ड आपका क्या बनता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। IST का मीनिंग मैंने पहले भी सेशंस में बताया हुआ है, मतलब हो जाता है एक्सपर्ट। तो मतलब मीनिंग क्या हो गया एंथ्रोपोलॉजिस्ट का? अ सोशल साइंटिस्ट हु स्पेशलाइजेस इन एंथ्रोपोलॉजी, जो एंथ्रोपोलॉजी में स्पेशलाइज करता है उसे क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अब यहां वर्ड आया एंथ्रोपोलॉजी, तो लॉजी आता है लोगोस से, लोगोस मतलब हुआ साइंस, एंथ्रोपोल मतलब हो गया मैनकाइंड। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब हो जाता है द सोशल साइंस दैट स्टडीज द ओरिजिन्स एंड सोशल रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, उसे हम कहते हैं आपका एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? द सोशल साइंस दैट स्टडीज द ओरिजिन एंड सोशल रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, उसे हम कहते हैं आपका एंथ्रोपोलॉजी। तो ये आपके दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं आप व्हाट इज द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ ह्यूमन एंड सोशल रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, उसे हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी एग्जामिन्स फैमिली रिलेशनशिप्स इन डिटेल, फैमिली रिलेशनशिप को डिटेल में एंथ्रोपोलॉजी हमारी डिस्कस करती है। चलिए अगला वर्ड हमें मिलता है एस्ट्रॉन। एस्ट्रॉन का मतलब होता है स्टार, नोमोस का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो वर्ड बना आपका एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर का मतलब हो गया अ फिजिसिस्ट हु स्टडीज एस्ट्रोनॉमी एंड हु मेक्स ऑब्जर्वेशंस ऑफ सेलेस्टियल फेनोमेना, यानी कि वह फिजिस्ट, वह भौतिक विज्ञान का व्यक्ति, भौतिक विज्ञानी जो कि एस्ट्रोनॉमी को पढ़ता है। एस्ट्रोनॉमी मतलब स्टार्स वगैरह के बारे में, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज के बारे में पढ़ता है, यूनिवर्स के बारे में पढ़ता है,
और सेलेस्टियल फिनोमिना के बारे में रीड करता है. सेलेस्टियल फिनोमिना यानी कि जो भी हेवनली बॉडीज हमारे स्पेस में फ्लोट करती हैं उनकी स्टडी करता है, उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमर. ठीक है, एस्ट्रोनॉमर. सिनोनिम आपके इसके क्या हो जाएंगे, स्टारगेजर, यूरेनोलॉजिस्ट, ये आपके इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं आपका. जैसे स्टारगेजर या यूरेनोलॉजिस्ट, ये इसके आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे. ठीक है, चलिए अगले वर्ड पर आते हैं. एग्जाम्पल हमारा है, एन एस्ट्रोनॉमर कैन डिटरमाइन द ब्राइटनेस ऑफ ईच स्टार. एक एस्ट्रोनॉमर डिटरमाइन कर सकता है हर ब्राइट स्टार की ब्राइटनेस को. एडजेक्टिव्स आपके हो जाएंगे एस्ट्रोनॉमिकल. एस्ट्रोनॉमिकल मतलब हो जाता है आपका जो कि एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, उसे हम एस्ट्रोनॉमिकल कह देते हैं. इट बिकम्स एडजेक्टिव ऑफ दैट वर्ड. अगला वर्ड आपका है एस्ट्रॉन, मतलब है स्टार. लोगोस मतलब है साइंस. एस्ट्रोलॉजर, इसी से बना एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजी. लॉजी मतलब हो गया साइंस ऑफ एस्ट्रो यानी कि साइंस ऑफ स्टार्स. और एस्ट्रोलॉजर क्या हो गया, समवन हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर बाय द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स ऑफ सन एंड मून. यानी कि प्लैनेट्स सन और मून की पोजीशन के आधार पर जो फ्यूचर बताता है उसे हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर. और इसी विज्ञान को, इसी सन मून और की पोजीशन के आधार पर भविष्य बताने की विज्ञान को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी. ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर मतलब समझ गए. एस्ट्रोलॉजर वह व्यक्ति जो सन और मून की पोजीशन के आधार पर भविष्य बताता है उसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं. एस्ट्रोलॉजर वह व्यक्ति जो आपका भविष्य बताता है उसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजर. ठीक है, अगला वर्ड आपका है द एस्ट्रोलॉजर क्लेम्ड टू बी एबल टू डिवाइन द फ्यूचर. यानी कि एस्ट्रोलॉजर क्लेम करता है कि वो फ्यूचर को डिवाइन कर सकता है, वो बता सकता है. अगला वर्ड आपका होता है एस्ट्रोनॉट. एस्ट्रोन मतलब हो गया स्टार, नॉटस मतलब हो गया सेलर. ठीक है, तो सब वर्ड हुआ आपका एस्ट्रोनॉट, मतलब हो गया अ पर्सन ट्रेन्ड टू ट्रेवल इन अ स्पेस क्राफ्ट. वह व्यक्ति जो स्पेस क्राफ्ट में ट्रेवल करता है उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉट. ठीक है, जैसे ये पर्सन आपका जो कि स्पेस क्राफ्ट में ट्रेवल कर रहा है इसे हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट. एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो द रॉकेट बूस्ट्स द एस्ट्रोनॉट्स इनटू स्पेस. रॉकेट जो है एस्ट्रोनॉट को स्पेस में बूस्ट करता है, एक तरीके से थ्रो करता है. ठीक है, तो रॉकेट बूस्ट द एस्ट्रोनॉट इनटू स्पेस विल बी द करेक्ट वर्ड. एस्ट्रोनॉट मतलब समझ गए, जो ये व्यक्ति जो आपका स्पेस में जाता है और स्पेस क्राफ्ट में जाता है उसे कहते हैं, और ट्रेवल करता है वहां पर उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉट. अगला वर्ड हमारा होता है कॉस्मोस. कॉस्मोस का मतलब हुआ यूनिवर्स. कॉस्मोस का मतलब हो जाता है यूनिवर्स. और नॉटस का मतलब हो जाता है सेलर. तो वर्ड बना आपका कॉस्मोनॉट. कॉस्मोनॉट का मतलब क्या हुआ, अ पर्सन ट्रेन टू ट्रेवल इन अ स्पेस क्राफ्ट, उसे भी हम आपका कॉस्मोनॉट कह देते. कॉस्मोनॉट देखिए, कॉस्मोनॉट का मतलब क्या हो गया, यूनिवर्स. और एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या हो गया आपका, एस्ट्रॉन मतलब क्या हो गया, स्टार. तो मतलब ऑलमोस्ट वही हो जाते हैं. कॉस्मोनॉट कह लीजिए या फिर आपका आपका कॉस्मोनॉट कह लीजिए या एस्ट्रोनॉट कह लीजिए, दोनों का ही मीनिंग ऑलमोस्ट एक जैसा ही है. बस ये है कि कॉस्मोनॉट वर्ड दिया था सोवियत यूनियन ने. ठीक है, कॉस्मोनॉट जो शब्द था वो आपका सोवियत यूनियन ने टर्म दिया था. और जो अमेरिका ने जो भेजा था उसे एस्ट्रोनॉट कहा. तो वही दो वर्ड शब्द बन गए और दोनों का मतलब एक ही है. यही आपका जो व्यक्ति जो आपका जो यूनिवर्स में या जो स्पेस में जा रहा है, स्पेस क्राफ्ट में ट्रेवल कर रहा है, उसे कॉस्मोनॉट कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल द कॉस्मोनॉट्स फोटोग्राफ द राइज ऑफ सन इन स्पेस. कॉस्मोनॉट ने फोटोग्राफ किया सन के उगने का, जो राइज ऑफ सन है स्पेस में उसे फोटोग्राफ किया. अगला वर्ड हमारा हो जाता है नॉटिकल. तो नॉट्स मतलब क्या हो जाता है, सेलर. नॉटिकल मतलब क्या हो जाता है, नॉटिकल मतलब हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा ना कि अभी हम कितना दूर हैं, तो वो डिस्टेंस बताते हैं नॉटिकल माइल्स में. तो नॉट्स नॉटिकल का मतलब हो जाता है रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग शिप्स और शिपिंग और नेविगेशन और सीमेन. यानी कि आपके समुद्र में चलने से रिलेटेड जो है आपका नॉटिकल आता है. नॉटिकल आपकी नॉटिकल माइल्स भी होते हैं. नॉटिकल माइल मतलब समुद्र की दूरी. नॉटिकल मतलब हो गया शिप या फिर सेलर से रिलेटेड, उसे कहेंगे नॉटिकल. और नॉटिकल माइल हो जाता है आपका एक तरीके से नॉटिकल माइल. नॉटिकल माइल वो दूरी हो गई जो कि समुद्र में डिस्टेंस नापने के लिए इस्तेमाल की जाती है. एंड बेसिकली इट इज़ 1852 मीटर्स. ठीक है, तो ये आपका नॉटिकल से वर्ड बनता है. चलिए, फॉर एग्जाम्पल कैप्टन गुलिवर वॉज अ मिडिल क्लास नॉटिकल मैन. वो एक मिडिल क्लास नॉटिकल मैन था, यानी कि समुद्र से रिलेटेड व्यक्ति था. अब एस्ट्रॉन से ही देखिए आगे के शब्द बनते हैं हमारे सेशन. नेक्स्ट जो सेशन आता है उसमें हमारे बनते हैं एस्ट्रॉन से ही. जैसे वर्ड हुआ आपका एस्टर, मतलब हो गया आपका स्टार शेप्ड फ्लावर. ठीक है, एस्टर मतलब हो जाता है स्टार शेप्ड फ्लावर, क्योंकि एस्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, स्टार. उसी से वर्ड आया एस्टर, मतलब हो गया स्टार शेप्ड फ्लावर. और इसी से वर्ड बना एस्ट्रिक्स. इसी से वर्ड क्या बनता है, एस्ट्रिक्स. एस्ट्रिक्स का मतलब क्या हो जाता है, अ स्टार शेप्ड सिंबल. ये जो हम लगाते हैं वी कॉल इट स्टार एस्ट्रिक्स.
ठीक है, तो कई लोग इसे स्टार बोल देते हैं, स्टार नहीं, इसे कहते हैं एस्ट्रिक्स। तो एस्ट्रिक्स किसे कहेंगे, आपके जो स्टार शेप्ड सिंबल है इसे हम एस्ट्रिक्स कह देते हैं, एस्ट्रिक्स कह देते हैं। ठीक है, अब इसी से बना एस्ट्रोफिजिक्स। फिजिक्स आप सभी को पता है, एस्ट्रो मतलब हो गया स्टार से रिलेटेड, तो मतलब हो गया द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद हेवनली बॉडीज। वर्ड फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लोग हेवनली बॉडीज यानी कि आपके जो भी यही यूनिवर्स में फ्लोट करने वाली बॉडीज हैं इनके बारे में स्टडी करते हैं, उन्हें हम एस्ट्रोफिजिक्स कह देते हैं। अगला वर्ड आ जाता है आपका एस्ट्रॉन से ही, एस्ट्रॉन मतलब हो गया स्टार, डिस मतलब हो गया अगेंस्ट, तो वर्ड बना आपका डिजास्ट्रस। डिजास्ट्रस क्या है, डिजास्ट्रस एडजेक्टिव है, डिस मतलब हुआ अगेंस्ट, आस्ट्रस मतलब ओयूएस लगता है, तो एडजेक्टिव का सेन आ गया, एस्टार मतलब हो गया स्टार, तो अगेंस्ट स्टार कहने का मतलब सितारों के खिलाफ चला जाए, तो कहते हैं ना तुम्हारे सितारे ठीक नहीं चल रहे हैं, तो उसी से मतलब आ गया आपका ब्रिंगिंग अबाउट रून और मिसफॉर्चून, यानी कि जिसमें किसी को नुकसान हो या एक तरीके से विध्वंसक हो उसे कहेंगे डिजास्ट्रस। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे आपके, कैटेस्ट्रॉफिक, डैमिंग या डिस्ट्रक्टिव, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम क्या हो जाएगा, फॉर्चून, हैप्पी एंड लकी, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे आपके, फॉर्चून, हैप्पी या फिर लकी सिनोनिम हो जाएंगे कैटेस्ट्रॉफिक, डैमिंग या डिस्ट्रक्टिव। डिजास्ट्रस मतलब क्या हुआ, ब्रिंगिंग अबाउट रून एंड मिसफॉर्चून, जो कि मिसफॉर्चून लेके आए एक तरीके से उसे कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, अ डिजास्ट्रस बिजनेस वेंचर लॉस्ट हिम थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, ठीक है, डिजास्ट्रस बिजनेस ने उसको उसकी वजह से उसके काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का उसको नुकसान हो गया। अगला वर्ड आता है आपका ऑटो, ऑटो मतलब हो गया सेल्फ, नोमोस मतलब हो गया अरेंजमेंट, तो वर्ड बनता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या हो गया, द एक्ट और पावर ऑफ मेकिंग वंस ओन चॉइसेस और डिसीजंस, सॉरी एस्ट्रोनॉमी नहीं, आई एम सॉरी, ऑटो मतलब हो गया सेल्फ, वर्ड आया आपका ऑटोनॉमी, तो ऑटो मतलब हो जाता है सेल्फ, नॉमी मतलब हो गया अरेंजमेंट, कहने का मतलब एक्ट और पावर ऑफ मेकिंग वंस ओन चॉइसेस इन डिसीजन, यानी कि वह शक्ति जिसमें आप अपनी खुद की चॉइसेस कर बना सकते हैं या खुद के डिसीजंस कर सकते हैं। जैसे कि कई सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उन्हें ऑटोनॉमस स्टेटस दे दिया जाता है, ऑटोनॉमस स्टेटस देने का मतलब हो गया कि वो अपने दम पर चल सकती हैं, अपना अरेंजमेंट खुद कर सकती हैं, अपने डिसीजन खुद बना सकती हैं, अपने ले सकती हैं, अपनी चॉइसेस खुद ले सकती हैं, उसे हम कह देते हैं ऑटोनॉमी। सिनोनिम आपका हो जाता है अकॉर्ड या फिर चॉइस, और एंटोनिम आपका हो जाता है कोर्शन या फिर कंपल्शन, ठीक है, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल के तौर पर, एक्टिविस्ट स्टेप्ड अप दियर डिमांड्स फॉर लोकल ऑटोनॉमी लास्ट मंथ, यानी कि एक्टिविस्ट ने अपनी डिमांड्स को बढ़ा दिया फॉर लोकल ऑटोनॉमी लास्ट मंथ, यानी कि अपने चॉइसेस, अपने डिसीजंस को बढ़ाने के लिए लास्ट मंथ, ठीक है, उसे कह देते हैं आपका ऑटोनॉमी। अगला वर्ड आपका हो जाता है मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब हो गया मेजरमेंट, नोमोस मतलब हो गया अरेंजमेंट, ठीक है, तो मेट्रोनॉम, नोम मतलब हो गया अरेंजमेंट, मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट, कहने का मतलब हो गया डिवाइस डिजाइन टू मार्क एग्जैक्ट टाइम बाय अ रेगुलर रिपीटेड टिक, तो बार बार जैसे मार्क बनाती है ये मशीन जो होती है आपकी, बार बार मार्क बनाएगी अगर एक जगह पर तो आपको एग्जैक्ट टाइम पता चल जाता है, ठीक है, तो एक डिवाइस जो कि मार्क करती है एग्जैक्ट टाइम बाय रेगुलरली रिपीटेड टिक, बार बार टिक करके वो आपके एग्जैक्ट टाइम को बताती है, तो मेट्रोनॉम हम उसे कह देते हैं, ठीक है। अगला हो जाता है आपका लोगोस मतलब हुआ साइंस, जीई मतलब या फिर जियो मतलब हो जाता है अर्थ, ठीक, तो वर्ड आया आपका जियोलॉजी, मीनिंग क्या हो गया, अ साइंस that deals with the history of the earth as recorded in rocks, a science that which deals with the history of earth as recorded in rocks, यानी कि जीवाश्मों में जो हमारी जो रॉक्स में जो जीव जंतु दबे हुए हैं जीवाश्मों के आधार पर इतिहास को बताता है हमारे अर्थ, हमारी धरा के, हमारी पृथ्वी के, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाता है आपका ही वॉज विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ जियोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्डन, एडजेक्टिव आपका हो गया जियोलॉजिकल, ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो ही वॉज विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ जियोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्डन। अगला वर्ड आपका हुआ मेट्रॉन, मेट्रॉन मतलब हो गया मेजरमेंट, जियो मतलब हो जाता है अर्थ, तो वर्ड मिला आपको जियोमेट्री, तो जियोमेट्री मतलब क्या हुआ, जियो मतलब हुआ द प्योर मैथमेटिक्स ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस एंड कर्व्स एंड सर्फेसिस, जो प्योर मैथमेटिक्स हुई आपकी पॉइंट्स की, लाइंस की, कर्व्स की, सर्फेसिस की, इसे हम कहते हैं आपका ज्योमेट्री। और जियोमेट्रिशियन क्या बन हो गया, जियोमेट्रिशियन मतलब हो जाता है अ मैथमेटिशियन स्पेशलाइजिंग इन ज्योमेट्री, वह मैथमेटिशियन जो कि स्पेशलाइज करता है ज्योमेट्री में उसे हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिशियन, ठीक है, तो जियोमेट्रिशियन मतलब क्या हुआ, वह मैथमेटिशियन जो कि स्पेशलाइज करता है ज्योमेट्री में उसे ज्योमेट्रिशियन कह देंगे, और ज्योमेट्री वो प्योर मैथमेटिक्स ऑफ प्योर लाइंस और कर्व्स वगैरह की, उसे ज्योमेट्री कहते हैं जो आप सभी लोग पढ़ते हैं। अगला वर्ड आता है आपका जियो मतलब हो गया अर्थ, ग्राफीन मतलब हुआ टू राइट, जियो मतलब हुआ अर्थ, ग्राफीन मतलब हुआ टू राइट,
वर्ड आया आपका जियोग्राफी। तो ग्राफी मतलब क्या हुआ, द स्टडी ऑफ अर्थ सर्फेस, स्टडी ऑफ अर्थ सर्फेस हम क्या कहते हैं आपको जियोग्राफी। और जियोग्राफर मतलब क्या हो गया, एन एक्सपर्ट और ऑन जियोग्राफी, तो जो जियोग्राफी का एक्सपर्ट है उसे कहेंगे जियोग्राफर। और ग्राफी मतलब पता है लिखना, तो ग्राफ मतलब हो गया लिखना, जियो मतलब अर्थ, तो अर्थ के जो एक्सपर्ट ऑफ जियोग्राफी जो होगा उसे कहेंगे जियोग्राफर। और जियोग्राफी क्या हो गया, स्टडी ऑफ अर्थ सर्फेस। इसी से आता है आपका ग्राफीन मतलब राइट, पता है आप लोगों को। तो ग्राफी मतलब हो गया लिखना, बायोस मतलब लाइफ, तो लाइफ के बारे में लिखना क्या हो गया, बायोग्राफी। तो किसी के जीवन 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 रचना लिखना, किसी के जीवन के बारे में लिखना, एन अकाउंट ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट्स मेकिंग अ पर्सन्स लाइफ हम क्या कहते हैं, बायोग्राफी। ठीक, नेल्सन मंडेला इज द सब्जेक्ट ऑफ अ न्यू बायोग्राफी। अब इसी से आपका वर्ड बन गया ऑटोबायोग्राफी। वर्ड हुआ ऑटो मतलब हो गया सेल्फ, बायो मतलब हुआ लाइफ, और ग्राफी मतलब हो गया टू राइट। तो ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या हो गया, स्टोरी ऑफ वंस लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ, खुद की लाइफ के बारे में जो स्टोरी लिखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी। फॉर एग्जाम्पल, इन हर ऑटोबायोग्राफी शी ओकेजनली रिफर्स टू हर अनहैप्पी स्कूल डेज, वो अपने जीवन ऑटोबायोग्राफी में अपने अनहैप्पी डेज के बारे में लिखती है। ठीक है, दैट इज ऑप्सिस। ऑप्सिस का मतलब क्या होता है, ऑप्सिस और ऑप्टिकोस, इसका मतलब मैं बता चुका हूँ, व्यू या फिर विजन होता है। बायोस का मतलब हो जाता है लाइफ, तो इससे वर्ड बना आपका बायोप्सी। अब देखिए, बायो मतलब हुआ लाइफ, ऑप्सी उसी से बना, मतलब क्या हो जाता है, अ मेडिकल एग्जामिनेशन जनरली थ्रू अ माइक्रोस्कोप। यानी कि बायोप्सी का मतलब हो जाता है, आप इसे ऐसे याद रख लो, एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू। बायोप्सी का मतलब आप ऐसे याद रख लो सिंपली, एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू। एग्जामिनेशन ऑफ अ लिविंग टिश्यू क्या कहते हैं हम उसे, आपका बायोप्सी कहते हैं। तो बायोप्सी क्या है, अ मेडिकल एग्जामिनेशन जनरली थ्रू अ माइक्रोस्कोप, उसे हम क्या कहते हैं, बायोप्सी। फॉर एग्जाम्पल, अ बायोप्सी इज यूजली अ माइनर सर्जिकल प्रोसीजर। बायोप्सी क्या है, एक तरीके का बहुत छोटा सा माइनर जनरली आपका सर्जिकल प्रोसीजर होता है आपका बायोप्सी। एग्जाम्पल मैंने आपको ये दे दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं हम। अगला जो हमारा शब्द है दैट इज आपका ऑटोप्सी। ये बायोप्सी का ही अपोजिट है, इसे आप कह सकते हैं। तो ऑटो मतलब हो गया सेल्फ, ऑप्सी मतलब हो गया व्यू या फिर विजन। तो मतलब हो जाता है एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी स्पेशली टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ, जिसे आप नेक्रोप्सी या पोस्टमार्टम भी कहते हैं। ठीक है, दोनों का ही मतलब हो जाता है आपका पोस्टमार्टम, यानी कि आफ्टर डेथ मौत का कारण पता करने के लिए जो एग्जामिनेशन किया जाता है उसे हम ऑटोप्सी कह देते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका है, ऑटोप्सी रिवील्ड नो एविडेंस ऑफ पॉइजनिंग। ऑटोप्सी यानी कि जो एग्जामिनेशन किया गया उसमें पता चला कि कोई भी एविडेंस नहीं था पॉइजनिंग का। गॉट इट। अगला शब्द हमारा आता है बोटनी। बोटनी का मतलब क्या हो जाता है, बोटनी का मतलब हो जाता है प्लांट, इसी से वर्ड बना आपका बॉटनी। बॉटनी का मतलब हो जाता है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज प्लांट्स एंड बॉटनिस्ट। ठीक है, तो आपका जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करती है उसे हम क्या कहते हैं, बॉटनी। और वह व्यक्ति जो आपका बॉटनी का स्टडी करता है उसे हम क्या कहते हैं, बॉटनिस्ट। तो ये हो जाता है कॉमन नाउन, बॉटनी हो गया द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर विलियम्स इंस्ट्रक्ट्स अस इन बॉटनी। एडजेक्टिव हो गया आपका बोटैनिकल। ठीक है, अगला वर्ड आपका हो जाता है जोन। जोन मतलब हो जाता है एनिमल। वर्ड हो गया आपका जूलॉजी। लॉजी हो जाता है स्टडी। जू मतलब हो गया एनिमल, मतलब हो जाता है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज एनिमल्स, उसे हम क्या कहते हैं, जूलॉजी। इसी से आपका वर्ड बनता है जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट कॉमन नाउन हो गया, मतलब वो व्यक्ति जो स्टडी कर रहा है। जूलॉजी हो गया द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज एनिमल। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू ब्रश अप माई जूलॉजी, मैं अपने जूलॉजी को ब्रश अप करना चाहूंगा, उसे आगे पढ़ना चाहूंगा। अगला वर्ड हमारा हो जाता है जोइन। जोइन का मतलब हो जाता है एनिमल। ठीक है, इसी से वर्ड बना आपका जू, मतलब हुआ द फैसिलिटी वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर हाउस्ड फॉर एग्जीबिशन, उसे हम क्या कहते हैं आपका जू, यानी कि चिड़ियाघर जिसे आप हिंदी में कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हो गया, वी सॉ थ्री पैंडास इन द जू, हमने तीन पैंडा देखे जू में। जू इज द जू इज शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ जूलॉजिकल गार्डन्स, तो जूलॉजिकल गार्डन्स का ही आपका शॉर्ट एंड फॉर्म है जू। अगला वर्ड जॉइन से ही है, दैट इज जोडेक। तो जोडेक क्या होते हैं, जोडेक साइंस आपके सभी को होते हैं, तो अ डायग्राम यूज्ड इन एस्ट्रोलॉजी, तो ये जोडेक साइंस जो होते हैं दीज आर कॉल्ड आपके जोडेक, और इसमें आपके अलग अलग एनिमल्स के आधार पे साइंस बनाए गए हैं। तो व्हाट साइन ऑफ जोडेक वर यू बॉर्न अंडर, आप लोग यू मे गाइस में कमेंट किस आपका जोडेक साइंस क्या है। तो एडजेक्टिव वो क्या हो गया, जोडाइकल। अगला वर्ड हमें हमारा है टोम। टोम मतलब हो जाता है कटिंग, ई एन मतलब हो जाता है इन। वर्ड क्या बना आपका,
लॉजी मतलब आया लोगोस से, लोगोस मतलब होता है साइंस, तो एन मतलब हो गया एंड, टॉम मतलब हो गया कटिंग, तो एंटोमोलॉजी मतलब क्या हो जाता है, द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट स्टडीज इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ती है, कीड़े मकोड़ों के बारे में पढ़ते हैं जिसमें, उसे हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रख सकते हैं, ही डिसाइडेड टू स्पेशलाइज इन एंटोमोलॉजी आफ्टर ग्रेजुएशन, उसने ग्रेजुएशन के बाद एंटोमोलॉजी में स्पेशलाइज करने का डिसाइड किया। एडजेक्टिव के तौर पर आप देख सकते हैं एंटोमोलॉजिकल, एंटोमोलॉजिकल मतलब उसी का एडजेक्टिव हो जाता है। अगला वर्ड आता है आपका सेक्टस, सेक्टस का मतलब क्या हो गया, टू कट, सेक्टस मीन्स टू कट, ई एन मतलब हो गया आई एन, ठीक है, इन, तो सेक्टस हो गया कट, वर्ड आ गया इनसेक्ट, तो इनसेक्ट मतलब इनसाइड कट, तो बेसिकली आप इसे रख सकते हो आपका जो कीड़े होते हैं उन्हें हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स फिश इंसेक्ट्स ले एग्स, तो हम ये एग्जाम्पल आपका हो गया जो इंसेक्ट्स एवरीबडी नोस, ठीक है। अगला आपका वर्ड हुआ ईसी, ईसी मतलब हुआ आउट, टोम मतलब कटिंग, तो टॉन्सिलेक्टोमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपके, याद रखिएगा टॉन्सिलेक्टोमी, तो टॉन्सिल आप सभी के होते हैं जो आपके गले के ऊपर टॉन्सिल्स होते हैं, ईसी मतलब हो गया आउट, तो टॉन्सिलेक्टोमी का मतलब हो गया सर्जिकल रिमूवर ऑफ पैलेटिन टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स का जो रिमूवल होता है उसे हम कहते हैं टॉन्सिलेक्टोमी। इसी से वर्ड बना आपका अपेंडेक्सटोमी, अपेंडेक्टोमी, तो ईसी मतलब हो गया आउट, अपेंडिक मतलब अपेंडिक्स, सर्जिकल रिमूवल ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो आप क्रमिरू परिशेषिका का निकालना क्या कहलाता है, अपेंडेक्टोमी। अगला वर्ड हुआ मैस्टेक्टोमी, मैस्टेक्टोमी क्या हो जाता है आपका, मैसेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ अ ब्रेस्ट टू रिमूव अ मेलिग्नेंट ट्यूमर, मेलिग्नेंट ट्यूमर को रिमूव करने के लिए जो मैसेक्टोमी की जाती है उसे आप कहते हैं मैसेक्टोमी। इसी से वर्ड बना हिस्टेरेक्टोमी, तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूटरस इज कॉल्ड हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है। प्रोस्टेटेक्टोमी, प्रोटेस्टेक्टोमी क्या हो जाता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ पार्ट और पार्ट ऑल ऑल ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड को निकाला जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोस्टेटेक्टोमी, ठीक है। अगला वर्ड है आपका केंट्रॉन, केंट्रॉन मतलब हो जाता है सेंटर, ईसी मतलब हो गया आउट, तो वर्ड आ जाता है आपका इसेंट्रिक, ईसी मतलब आउट, सेंट्रॉन मतलब हो गया आपका सेंटर, तो कॉन्स्पिशियसली और ग्रॉसली अनकन्वेंशनल और अनयूजुअल, जिसे थोड़ा आप सनकी कह सकते हैं, सेनाइल भी कह सकते हैं, कैप्रिशियस कह सकते हैं, उसे कहेंगे इसेंट्रिक, मतलब बहुत जल्दी सनक वाला व्यक्ति सनकी, उसे कहेंगे आपका इसेंट्रिक। एग्जाम्पल एंटोनिम हो जाएगा कन्फर्मिस्ट, कंजर्वेटिव, कन्वेंशनल। एग्जाम्पल हो गया हिज इसेंट्रिक बिहेवियर लॉस्ट हिम हिज जॉब, नाउन आपका हो जाता है इसेंट्रिसिटी। देखिए जो आपके वर्ड्स हैं इनका जो सिनोनिम और एंटोनिम डिपेंड करता है, अगर आपका शब्द कोई ऐसा है जिसके एंटोनिम सिनोनिम हो सकते हैं तो वो बताए गए हैं, जिनका नहीं हो सकता उन्हें नहीं बताया गया, ठीक है। अगला जो आपका वर्ड आया वो आया ए, ए मतलब हुआ नॉट, मतलब हुआ निगेटिव, तो एटम, टॉम मतलब कटिंग, तो एटम मतलब होगा वेरी स्मॉल पीस, एटम आप सभी लोग जाते हैं, जिसे हिंदी में अणु कहते हैं। गिव मी जस्ट वन आइटम ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द नॉवल सरप्राइजिंग एंडिंग, जब मुझे हल्की सी स्मॉल जानकारी दे दो छोटी सी कि नॉवल की सरप्राइज एंडिंग क्या है, ठीक है। एटॉमिक आप सभी लोग जानते हैं। अगला वर्ड आया एना, एना मतलब हो जाता है अप, तो इसी से वर्ड बना एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब क्या हुआ, द सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ होल बॉडी, ठीक है, उसे कहते हैं एनाटॉमी। तो आप बॉडी के जो भी हमारे पार्ट्स हैं, जो भी अंग हैं, इन सभी के बारे में स्टडी को हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी। सिनोनिम आपके हो जाएंगे एनालिसिस, एनाटोमाइजिंग, एसे, ये सभी इसके सिनोनिम हो जाते हैं। एग्जाम्पल हो गया नॉलेज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी इज इसेंशियल टू फिगर ड्राइंग, आपका डायग्राम बनाने के लिए ह्यूमन एनाटॉमी की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आया नेक्स्ट है डाइका, डाइका मतलब हुआ इन टू, तो डाइकोटोमी, डाइकोटोमी मतलब हो गया अ क्लासिफिकेशन इंटू टू अपोज्ड पार्ट्स ऑफ सब क्लासेस, दो पार्ट्स में जो डिवीजन होता है उसे हम कहते हैं डाइकोटोमी, किसी भी चीज के दो पार्ट्स में डिवीजन क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, डाइकोटोमी। सिनोनिम आपके हो जाएंगे कॉन्ट्रेडिक्शन, इनकॉन्ग्रुटी, ठीक है, ये इसके सिनोनिम हो जाते हैं। देयर इज अ डाइकोटोमी बिटवीन द एकेडमिक वर्ल्ड एंड इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, अब देखो डाइकोटोमी का और क्या आपके मीनिंग हो जाते हैं, एक तो मतलब मैंने ये बता दिया, डाइकोटोमी जो वर्ड है इसका और भी सेंस में इस्तेमाल होता है, डाइकोटोमी हम विरोधाभास को भी कहते हैं, ठीक है, जैसे देयर इज दो चीजों में एकदम विरोधाभास हो रहा है तो उसे भी हम कहते हैं डाइकोटोमी, द सेपरेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू ग्रुप्स और थिंग्स दैट आर कंप्लीटली अपोजिट टू और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दैट इज कॉल्ड डाइकोटोमी, ठीक है। अगला वर्ड हुआ एपिटोम, एपी मतलब हो गया ऑन, टोम मतलब कटिंग, तो एपिटोम मतलब हो जाता है अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ द मेन पॉइंट्स, बेसिकली एपिटोम मतलब हो जाता है एग्जाम्पल,
ही इज द, जैसे महात्मा गांधी वॉज एपिटोम ऑफ नॉन वायलेंस, तो महात्मा गांधी एक तरीके से शॉर्ट स्टेटमेंट है नॉन वायलेंस के, तो एपिटोम मतलब एग्जाम्पल भी होता है। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, ब्रीफ कैप्सूल, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा एनलार्जमेंट या एक्सपेंशन, बड़ा होना, ठीक है। तो एपिटोम जैसे महात्मा गांधी इज द एपिटोम ऑफ आपका, महात्मा गांधी इज एन एपिटोम ऑफ नॉन वायलेंस, वो उसके एग्जाम्पल है एक तरीके से। अगला वर्ड आपका हो जाता है फिलोलॉजी। फिल मतलब हो गया वर्ड और स्पीच, फिलीन मतलब हुआ वर्ड और स्पीच, लोगोस मतलब हो जाता है साइंस, तो फिलोलॉजी मतलब हो गया द ह्यूमनिस्टिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ठीक है। फिल मतलब हो गया आपका वर्ड और सर्च, फिलीन मतलब लोगोस मतलब साइंस, सो द ह्यूमनिस्टिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर इज कॉल्ड फिलोलॉजी। हिज मेजर इंटरेस्ट एंड मेन स्कॉलरशिप वर ऑन फिलोलॉजी। अगला वर्ड आया लिंगुआ। लिंगुआ मतलब हो जाता है टंग, तो लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक मतलब हो जाता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ नॉलेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक। माय ब्रदर हैज एन एमए इन लिंग्विस्टिक, यानी कि लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी में उसको एमए है। अगला वर्ड आ जाता है फिलीन। फिलीन का मतलब लव भी होता है, तो उससे वर्ड बना फिलेंथ्रोपिस्ट, तो IST मतलब एक्सपर्ट, एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड, फिल मतलब हो गया लव, तो अ रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर दोज इन नीड बाय गिविंग मनी, जो लोगों को पैसा देकर, जिसे आपकी नीता अंबानी, शी इज अ फिलेंथ्रोपिस्ट, यानी उनके पास मनी है एंड शी गिव्स टू द पुअर और उनसे उनकी मदद करती है, उसे कहते हैं फिलेंथ्रोपी थ्रोपिस्ट। एंथ्रोपोलॉजी क्या हो जाए, एंथ्रोपी फिलेंथ्रोपी, फिलेंथ्रोपी हो गया लव ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड फिलेंथ्रोपी। सिनोनिम्स इसका हो जाता है बेनिफैक्टर या कॉन्ट्रीब्यूटर, एंटोनिम हो जाएगा डोनी या फिर गिफ्टी। एग्जाम्पल हो जाता है द ट्रस्ट वॉज फाउंडेड बाई एन अमेरिकन फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है, जो एडजेक्टिव हो जाएगा फिलेंथ्रोपिक। अगला हो जाता है फिलेंडर। फिलेंडर क्या हो गया, फिलेंडर इज अ हैव अमोरस अफेयर, अमोरस मतलब हो गया सम काइंड ऑफ सेक्सुअल फीलिंग, तो आपका फिलेंडर हो जाता है, फिलेंडर से ही बना, फिलेंडर वर्ब है, फिलेंडर से बन जाता है ER लगा देते हैं किसी वर्ब में तो वो बनता है कॉमन नाउन, तो उसी से बना फिलेंडर। फिलेंडर का मतलब हो गया मैन हु लाइक्स मैनी वेमेन एंड हैज शॉर्ट सेक्सुअल रिलेशनशिप विद देम, तो उसे कहते हैं फिलेंडर। फिलेंडर वह व्यक्ति जो बहुत सारी महिलाओं को पसंद करता है और उसके ही हैज शॉर्ट सेक्सुअल रिलेशनशिप विद देम इज कॉल्ड फिलेंडर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रख सकते हैं ही स्पेंट हिज टाइम फिलेंडर विद द गर्ल्स इन द विलेज, उसे हम कहते हैं फिलेंडर, ठीक है। तो फिलेंडर आपका एक तरीके से कह सकते हैं उस व्यक्ति को who involves in many relationships and without thinking of any, without thinking of morality, ठीक है। A man who has sexual relationships with many different women, उसे भी हम philanderer कह सकते हैं, Casanova भी कहते हैं। Philine मतलब हो गया love, Sophos मतलब हो जाता है vice, तो word आया philosophy, मतलब love for the wisdom, the basic beliefs or guiding principles of a person or group is called philosophy. तो फिलोसफी क्या हो जाता है आपका, बेसिक बिलीव्स या जो भी आपका विजडम है उससे रिलेटेड आपका जो वर्ड है आपका फिलोसफी हो जाता है। फिलोसफी का मतलब हुआ द स्टडी ऑफ नेचर एंड मीनिंग ऑफ यूनिवर्स एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। फिलोसफी का मतलब क्या हुआ, द स्टडी ऑफ द नेचर एंड मीनिंग ऑफ यूनिवर्स, उसे कहते हैं फिलॉसफी, ठीक है। तो स्टडी ऑफ नेचर या फिर यूनिवर्स के बारे में जो स्टडी हम पढ़ते हैं, मीनिंग कैसे ये दुनिया क्या है, जो कुछ भी है इसके बारे में, ह्यूमन लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, इसे कहते हैं फिलॉसफी। सिनोनिम हो जाएगा क्रीडो, क्रीड या फिर डॉक्ट्राइन। फॉर एग्जाम्पल ही इज अ प्रोफेसर ऑफ मॉरल फिलॉसफी एट ऑक्सफोर्ड, ठीक है। अगला वर्ड हमारा बनता है फिलाडेल्फिया, तो एडेल्फोस, एडेल्फोस का मतलब हो जाता है ब्रदर। फिलाडेल्फिया, फिला मतलब हो गया लव, एडेल्फिया का मतलब हो गया द सिटी ऑफ ब्रदरली लव, उसे कहते हैं आपका फिलाडेल्फिया, ठीक। अगला वर्ड हुआ आपका हारमोनिया। हारमोनिया से बनता है, हारमोनी से बनता है हारमोनिया। फिलीन मतलब हुआ लव, तो फिलहारमोनिक, फिलहारमोनिक मतलब क्या हुआ, डिवोटेड टू और अप्रिशिएटिव ऑफ म्यूजिक, जो म्यूजिक को अप्रिशिएट करे फिलहारमोनिक, उसे कहेंगे आपका। हारमोनी मतलब क्या हुआ, जैसे आपका हारमोनी, हारमोनी मतलब हो जाता है सामंजस्य, तो फिल मतलब हो गया लव, तो हारमोनी सामंजस्य सबसे ज्यादा किस में होता है, म्यूजिक में सबसे अच्छा ना, तो यूज्ड इन द नेम ऑफ ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक सोसाइटीज, उसे कहते हैं फिलहारमोनिक, ठीक है। ही विल कंडक्ट द वियना फिलहारमोनिक इन द फाइनल कॉन्सर्ट ऑफ द सीजन, तो एक म्यूजिक से रिलेटेड आपका फिलहारमोनिक वर्ड हो जाता है। बिब्लियन मतलब हो जाता है बुक,
तो इसी से आता है बिब्लियोफाइल। फाइल मतलब हो गया लव, बिब्लियो मतलब हो गया बुक, तो वर्ड हो गया वन हु लव्स बुक्स, जिसे किताबें बहुत पसंद है उसे बिब्लियोफाइल कह सकते हैं। अब बिब्लियोफाइल लाइक्स बुक्स एंड एन ओनियोफाइल एंजॉयज वाइन, तो ओनियो मतलब हो गया वाइन, तो ओनियोफाइल को वाइन पसंद होता है। अगला वर्ड है आपका एंग्लस। एंग्लस मतलब हो जाता है इंग्लिश, फिलीन मतलब हो गया लव, तो वर्ड आया एंग्लोफाइल। एंग्लोफाइल मतलब हो जाता है एन एडमायरर ऑफ इंग्लैंड एंड थिंग्स दैट, उसे कहते हैं आपका एंग्लोफाइल। एग्जाम्पल हो जाता है ही बिकेम अ फैनेटिकल एंग्लोफाइल, तो फैनेटिकल एंग्लोफाइल मतलब जो कि फैनेटिक हो गया है, एक चीज को लेकर धर्मांध हो जाना, किसी चीज को लेकर मतलब यू आर नॉट सीइंग व्हाट इज राइट और रॉन्ग, आप जस्ट उसकी तरफ भागे जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड फैनेटिक, फैनेटिज्म। अगला वर्ड होता है सीमेंटिस्ट, सीमेंटिसिस्ट। तो सीमेंटिसिस्ट क्या होता है, पहले उसके लिए सीमेंटिक्स जान लो। सीमेंटिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज मीनिंग। सीमेंटिक्स मतलब हो जाता है आपका सीमेंटिक्स, सीमेंटिक्स का मतलब होता है आपका सीमेंटिक्स मतलब होता है स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। क्या मतलब है सीमेंटिक्स का, द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है, शब्दों के मीनिंग के स्टडी को हम क्या कहते हैं, सीमेंटिक्स। तो इसी से आईएसटी लग जाएगा, तो एक्सपर्ट हो गया उसमें, तो इज प्रोफेशनली इन्वॉल्व इन सीमेंटिक्स, उसे कहते हैं सीमेंटिसिस्ट। माय आइडियाज ऑन सीमेंटिक्स नीडेड मोर केयरफुल एक्सप्लोरेशन, एडजेक्टिव हो गया सीमेंटिक। अगला वर्ड आया सोशियस। सोशियस का मतलब होता है कंपेनियन, सोशल यानी कि जो सामाजिक है, लोगोस मतलब हो गया साइंस, तो सोशियस का मतलब हो जाता है द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज। ह्यूमन सोसाइटी के बारे में स्टडी को क्या कहेंगे, सोशियोलॉजी, ठीक है। आई बी टीचिंग हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी नेक्स्ट टर्म, सोशियोलॉजिकल इसका एडजेक्टिव हो जाता है। अब एंटी मतलब होता है, ए एन टी आई मतलब होता है अगेंस्ट, सोशल मतलब हो गया कंपेनियन, तो एंटी सोशल मतलब हुआ शनिंग कॉन्टैक्ट विद अदर्स। सिनोनिम हो गया अलूफ, असोशल, एंटोनिम हो गया कॉर्डियल, फ्रेंडली, सोशेबल। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं हिज बिहेवियर वॉज कॉल्ड प्रोवोकेटिव एंड एंटी सोशल, उसके बिहेवियर को प्रोवोकेटिव और एंटी सोशल बताया गया, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रखते हैं आज का वीडियो, और आशा करता हूँ जितना पढ़ाया सभी को समझ में आया होगा। हमने सिलेबसन नंबर 11-13 कवर कर लिया है। देखिए जैसा कि आप सभी लोगों का सपोर्ट है अभी तक वीडियो को, अभी शुरुआत के वीडियोज़ आप लोग देख रहे थे, बट यू गाइज आर नॉट वॉचिंग दीज वीडियोज नाउ, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ देखिए इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अटेंडेड आपको पसंद आ रहा है तो बताइए कमेंट सेक्शन में, नहीं पसंद आ रहा है तो कोई भी आपका फीडबैक है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा अगर आप वीडियो को अगर आप पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी लोगों तक हम इस वीडियो को पहुंचा सकें, और भी लोगों को ये वीडियोस पसंद आएँ, और लोग भी जान सकें कि नॉर्मन लुईस किताब के बारे में। अच्छी किताब है, आप में से ज़्यादातर लोग इस किताब को पढ़ना चाहते हैं बट पढ़ नहीं पाते हैं, आप में से ज़्यादातर लोग इसके बारे में डिमांड कर रहे थे कि सर ये किताब बना दीजिए, सो दैट्स वाई नाउ आई एम मेकिंग इट, सो प्लीज़ डू सपोर्ट इट गाइज। आप लोगों के सपोर्ट के जरिए ही हम इस सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, और आज 10:30 रात में हम लोग लाइव मिलेंगे जिसमें हम लोग CPO का पेपर का डिस्कशन करेंगे, तो अगर आप लोगों ने उसको ज्वाइन नहीं किया कि आज अभी तक तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।